नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज योर फ्रेंड हरमन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। गाइस, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले हम जान लेते हैं कि ओवरथिंकिंग क्या है। एक ऐसा थॉट जिस थॉट का कंट्रोल आपके पास नहीं है और वो थॉट अपने साथ कई सारे और थॉट्स को क्रिएट करता है, लोग इसे ओवरथिंकिंग मानते हैं। पहले हम समझते हैं कि ओवरथिंकिंग क्रिएट क्यों होती है और कैसे होती है। आपने देखा होगा कि हम सब लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल फोन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फोन के अपने सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर उस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि फेसबुक, कैंडी क्रश, व्हाट्सएप, पबजी और भी डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स। हम किसी भी एक सॉफ्टवेयर को जब उस मोबाइल में खोलते हैं तो वो पूरा का पूरा मोबाइल वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। फेसबुक खोलते हैं तो पूरा का पूरा मोबाइल फेसबुक बन जाता है और फेसबुक के सारे फीचर्स को निकाल कर दिखाना शुरू करता है। देन हम उसे मिनिमाइज करते हैं, मोबाइल फिर प्लेन हो जाता है, सिंपल हो जाता है। फिर हम उसमें व्हाट्सएप ऑन करते हैं और पूरा का पूरा मोबाइल फिर से व्हाट्सएप बन जाता है। सेम ऐसे ही माइंड भी एक ऑपरेटिंग डिवाइस है। इसके पास थॉट होते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ थॉट को प्रोसेस करता है। जब ये थॉट पॉजिटिव फॉर्म में प्रोसेस करता है तो हम लोग कहते हैं आइडिया जनरेशन हो रहा है। जब नेगेटिव फॉर्म के अंदर थॉट्स को क्रिएट करता है तो हम लोग कहते हैं ओवरथिंकिंग होती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि माइंड ना तो ओवरथिंकिंग क्रिएट करता है और ना ही आइडिया को जनरेट करता है। माइंड सिर्फ और सिर्फ थॉट को प्रोसेस करता है। जैसा थॉट, जैसा मेमोरी, जैसा इंसिडेंस इस डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ये डिवाइस जो कि एक मिरेकल मशीन है, ये सभी सॉफ्टवेयर्स को प्रोसेस करना स्टार्ट करती है और उस प्रोसेस के अंदर के जितने फीचर्स होते हैं सब निकाल कर दिखाना शुरू करता है। हम किसी एक इंसिडेंस के बारे में सोचते हैं और साथ के साथ ही उस इंसिडेंस से रिलेटेड कई सारे कॉन्सिक्वेंस हमारा माइंड हमें क्रिएट करके देता है। मैंने बोला माइंड इज नथिंग, माइंड इज जस्ट ओनली एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज लाइक योर डिवाइस। हमारे पास आप देखिए, डीजे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डीजे गाना नहीं गाता, उसके अंदर जो म्यूजिक डाला जाता है वो गाना बजता है। टीवी पिक्चर नहीं दिखाता, पिक्चर क्रिएट नहीं करता। जो पिक्चर इंस्टॉल की जाती है टीवी में केबल के थ्रू, DVR के थ्रू, VCR के थ्रू, वो सिर्फ उसी को प्रेजेंट करता है। आपका मोबाइल भी जो म्यूजिक आपको सुनना पसंद है वो म्यूजिक क्रिएट नहीं करता, जो इंस्टॉल किया गया म्यूजिक है उसे रिप्रेजेंट करता है। माइंड भी थॉट्स को क्रिएट नहीं करता है, माइंड सिर्फ और सिर्फ थॉट को प्रोसेस करता है। जैसा सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल के अंदर खोलेंगे वैसा ही मोबाइल उस सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करेगा। आप अपने मोबाइल के अंदर चाहें तो पॉर्न वीडियोज देख लीजिए, आप चाहें तो स्पिरिचुअल भजन सुन लीजिए, या आपको दोनों के दोनों दिखाएगा, क्योंकि मोबाइल को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। सेम माइंड भी, इसे कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। ये आपको हर थॉट जो आप थॉट इस माइंड को देंगे, ये उस हर थॉट के रिलेटेड जितने भी कॉन्सिक्वेंस थॉट्स हैं ये आपको सबके सब दिखाएगा। माइंड इज अ मिरेकल मशीन, इट कैन क्रिएट एनीथिंग और एवरीथिंग। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ थॉट को प्रोसेस करता है, और वही थॉट्स जो एक छोटा सा बीज होता है, जब आप उसके बारे में बार बार सोचते हो तो वो छोटा सा बीज बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। और सब लोग बोलते हैं कि सर ओवरथिंकिंग हो रहा है, हमसे अपने काम की तरफ फोकस नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं पर अपने गोल की तरफ ध्यान नहीं लगाया जा रहा, कहीं ना कहीं पर हमें लेजीनेस हो रही है, कहीं ना कहीं पर हमें एग्रेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं पर हमें एंग्जाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। आजकल लोगों को माइग्रेन का इशू हो गया है, कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओवरथिंकिंग की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि ऐसा कौन सा थॉट है जो हम अपने माइंड को दे सकते हैं, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं जो हमें हैप्पीनेस दे, जो हमें रिलैक्स करे, जो कहीं ना कहीं हमें पीस दे। हमें ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है जो कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ में सपोर्ट करे, कहीं ना कहीं पर हमें सक्सेस के लिए सपोर्ट करे, हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करे। ये मिराकल मशीन है सर। मोबाइल के अंदर जैसा सॉफ्टवेयर डालोगे वो उसी सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करेगा, माइंड के अंदर भी जैसा थॉट डालोगे माइंड उसी थॉट को बार बार प्रोसेस करके आपको दिखाएगा। सो दिस इज टोटली अप टू यू। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। जो थॉट भी आप अपने माइंड के लिए चूज करते हैं वो भी एक चॉइस है। जो मूवी आप देखने के लिए जाते हैं वो भी एक चॉइस है। जो मोबाइल फोन आप चूज करते हैं वो भी एक चॉइस है।
उसी तरह से जो थॉट हमें चूज करने हैं अपनी जिंदगी में, जो रिलेशन हमें चूज करने हैं अपनी जिंदगी में, जो बिजनेस, जो करियर ऑप्शंस अपने को चूज करने हैं अपनी जिंदगी में, ये सब चीजें चॉइस है। अच्छे थॉट्स को चूज कीजिए अपने माइंड के लिए, क्योंकि इस माइंड का काम तो थॉट को प्रोसेस करना है। ये अच्छे थॉट को भी प्रोसेस करता है और ये बुरे थॉट को भी प्रोसेस करता है। द चॉइस इज योर्स कि आप कैसा थॉट प्रोसेस कराना चाहते हैं। अगर आप नेगेटिविटी के बारे में सोचना चाहते हैं तो नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होंगे। और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ रहेंगे, उन लोगों से उनके बिजनेस आइडियाज के बारे में सुनेंगे, तो जब वो थॉट, वो सॉफ्टवेयर आपके माइंड में जाएगा तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आपके उस माइंड के अंदर क्रिएट होंगे और आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नेगेटिव थॉट्स जो अभी आपके माइंड में हैं और जिन्हें आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका पार्ट टू बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एक 5-स्टेप फॉर्मूला दूंगा जिससे आप अपने माइंड में चल रहे किसी भी नेगेटिव थॉट को विद इन हाफ एन आवर रिमूव कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी विजन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, keep sharing. Thank you so much.